नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। बेसिकली आप लोग देखते हो कि जिस तरीके से हमारे पास, जब आप टेंथ में आते हो तो टीचर्स आपको प्रेशराइज करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चे सही रिएक्शन लिखिए, या आप जो रिएक्शन लिख रहे हैं उसको सही फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए, प्रेजेंटेशन के मार्क्स से बहुत कुछ। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखने वाले हैं टेंथ क्लास का, दैट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा बच्चे, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए मैं यहाँ पे पांच बातें आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। इन पांचों बातों को लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ, आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देके एग्जांपल करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं आपके इक्वेशन में, ये हमेशा सही तरीके से लिखे जाने चाहिए। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट आपके हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, प्रोडक्ट आपके हमेशा RHS साइड पे आएंगे, और बीच में हमारे पास एक एरो आएगी जो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक एरो से। स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि बेटा जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, सब्सटेंस में आपका रिएक्टेंट है, सब्सटेंस में आपका प्रोडक्ट है, आपने जो कुछ भी कंसीडर किया है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके किस स्टेट में है, दे आर सॉलिड, दे आर लिक्विड, दे आर गैस, और इनके लिए हम कुछ कॉमन से नोटेशंस का यूज करेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूं यहां वीडियो में। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा बेटा, कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करते, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई भी कैटलिस्ट आ रहा है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन और विद इन द रिएक्शन आपको उस कैटलिस्ट को मेंशन करना होता है एरो के ऊपर या फिर नीचे। एंड लास्ट वन इज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, जिसको आप दूसरे नाम से देखोगे, दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो वो केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं आपके सामने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चे, एग्जाम्पल समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक रिएक्शन होती है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं वाटर। आप सभी को पता होता है बेटा कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है किस फॉर्म में होता है, इट इज इन गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन इज आल्सो फाउंड इन गैसियस स्टेट। हाउएवर व्हेन द वाटर इज फॉर्मड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन इट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। सो हम गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल जी यूज कर रहे हैं और लिक्विड स्टेट के लिए L यूज कर रहे हैं। सिमिलरली एक और रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, आपने एक बहुत नाम सुना होगा बहुत प्यारा सा, डेट इज अमोनिया। अमोनिया की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है हमारे पास NH3। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, डेट इज G। हाइड्रोजन भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और हमारे पास यहाँ पे जो अमोनिया है ये भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों ही कंडीशन में मैंने अपने ही बताए हुए एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, दैट इज बैलेंसिंग। मैं यहाँ पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, लेकिन आपको बैलेंसिंग करना मैं सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि हमेशा रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बैलेंस होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे दो है, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस जो ऑक्सीजन का है इससे कंपेयर करेंगे इस ऑक्सीजन से, और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो हम इसको बढ़ा देंगे, टू से इंटू कर देंगे। टू से इंटू होते ही हमारे पास ये ऑक्सीजन डबल हो गया, डेट मीन ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू, हम इसको कर देंगे। इस तरीके से ये आप केमिकल इक्वेशन जो है ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, जिसको आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है। सेकंड वन इज नाइट्रोजन के यहाँ पे दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास NH3, यानी कि नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के तीन। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटू कर देंगे टू से, टू से इंटू करते ही ये तो हमारे पास बैलेंस हो गया जो हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, अमोनिया का भी और यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन भी, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, 3 2 6, यहाँ पे 2 है तो हम कर देंगे 3, और अब ये बन गई हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिसके बारे में आप खुद करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NaHCO3, जिसको आप पढ़ते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
जब ये हमारे पास डीकम्पोज होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू हीट, तो ये हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में रिलीज होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हमारे पास जो रिलीज होगा डेट इज वॉटर। सो हमारे पास यहाँ पे इसको प्रॉपर फॉर्म में जब आप लिखना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एरो है और यहाँ पे हम मैंने आपको बता दिया कि ये जो बैलेंसिंग हो रही है हमारे पास हीट की वजह से हो रही है, ये डीकम्पोजिशन हमारे पास हीट की वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे आपको थर्मल एनर्जी को आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्टेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड एस, सोडियम कार्बोनेट भी सॉलिड है एस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में जी और वाटर लिक्विड फॉर्म में एल। हम बात करें कुछ सिंबल्स की जो आपको यूज करने हैं बेटा। अगर आपके पास सॉलिड स्टेट है तो आप यूज करोगे स्मॉल एस का, लिक्विड स्टेट के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल एल का, गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल जी, एक्वस स्टेट दैट मींस कोई भी सॉल्यूशन अगर वाटर में सॉल्युबल है, अगर वाटर में वो मिलकर बनाए तो उसके लिए हम एक्वस यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास AQ। अगर कोई सेटलमेंट हुआ है या कोई फॉर्मेशन बना है जो कि सेटल डाउन हो गया है तो वहां पे हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं डाउन एरो का। अगर कोई गैस इवॉल्व हुई है या किसी भी चीज का अगर इवोल्यूशन हुआ है जो लिबरेट हो गई है, जो उड़ गई है, तो हम यूज करेंगे एरो अप, और ये ट्रायंगल स्मॉल सा हम यूज करते हैं फॉर द हीट एनर्जी। सो इन सिंबल्स का यूज करके आप किसी भी रिएक्शन को सही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सही फॉर्म में लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगेन मैं छोटी छोटी बातें रिपीट कर दूं आपकी जो मैंने आपको बताया, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है आपकी सही होनी चाहिए, आपका अगर वहां पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मेंशन है बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका कोई कैटलिस्ट है वो आप सही जगह पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी कि जो एरो है उसके ऊपर या नीचे लिखेंगे, प्रॉपर इक्वेशन आपकी बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, और लास्ट पॉइंट हमारे पास कि किसी भी इक्वेशन को जो आपने लिखा है उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप उसमें और अगर कोई छोटे से चेंजेस करना चाहें तो वो भी हमारे पास हो सकते हैं। थैंक यू।